बिहाने 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 के सुरीला सफर के शुरुआत हो गई बा। और शुरुआती में ही हमने के गोर लागत नहीं सर, प्रणाम करता नहीं सर, तो हम अजीत आनंदा दर्शक लोग स्वागत करता नहीं, चरण स्पर्श करता नहीं। और इनका बाद हम विजया भारती भी तैयार बनी रउआ सबके स्वागत करे खातिर, रउआ सबके प्रणाम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो कहीं लोग का समाचार बा, ठीक बा? ठीक बाटे, हम नहीं होगा ठीक बनी सर। अरे ऐसे कैसे कही है, चिट्ठी पत्री भेजी है तब बताई है ना। हाँ, चिट्ठी हम सब पढ़ ले बनी भौजी। अब हम चाहता नहीं कि भौजी के सामने अगर कोनो ऑफिसर आके बैठल बने तो उनके कुछ गाना होना से प्रोग्राम की शुरुआत होके। तो अब मेरे घर में तो एक ही आदमी ऑफिसर है और हमारा ऑफिसर मेरे पिया परदेसी कलकत्ता में रहते हैं, तो यहाँ नया ऑफिसर कहाँ से आ गए। फिर जंग छिड़ी, लेकिन जंग ना छिड़े में से आके कोई कुछ बड़प्पन किस्में है, बड़प्पन के क्राइम बाकी क्यों कोनो बात सा। जब भाई ऑफिसर खाने लगा था नहीं हम और बानी हम और कहा तरी दूसरा के, लेकिन गाना तो सुना दो। गाना सुना देता नहीं, लेकिन एगो बस सच्चाई बताए तानी, ऑफिसर बनने के ख्वाब तो बा लेकिन मेहनत नहीं खे। हमार ऑफिसर पति के जौन कोट छोट हो जाला, पुरान हो गेल बा, वो कोट पहन के बड़का टाइट है ऑफिसर। अब बुझाता हमरा नाप देवे के पड़ी कि हमार के भैया क्या हमरे अटे, लेकिन अभी एगो गाना सुनाओ। सुना देता नहीं भाई साहब के हमरा के जिबिया हो गई नू जाके होने मैथिली भाषा वाला लोग लगे तो ये बड़ी दिक्कत हो गई बा। हमके बुझात नहीं के कुतु डटलू की का गलू, लेकिन मजा आई है। देखो देवर के द्वारा जब भाभी को तंग करने का तरीका भी सुपर अव्वल क्लास का है, तो हमू तो कुछ ऐसे नहीं ना सोचा बाबू कोनो। अच्छा, हमू तो दुबरा घर के है ना, कोई कमजोर परिवार के बेटी ना है। सब लोग जाना था तू बहुत बरियार हो, बहुत झगड़ा उगड़ा में आगे हो। झगड़ा में आगे नहीं है, लेकिन एक के बाद एक का काम होए के चाहे, ई विचार में आगे बानी। हाँ ठीक बा भौजी के, भाई हम सराहना तो जरूर करते नहीं भौजी, बहुत अच्छा बड़ी। अब बहुत अच्छा कैसे बड़ी किंकर दिमाग में लागत आ गई बा कि योग कैल हमनी के जरूरी बटे। यस, पॉइंट पर आया डर के मारे मेरा देवर। ठीक बा रउआ सब, सेहत के हमनी के चिंता बा, रउआ सब तैयार रही, हम दोनों तैयार बने, तो चले मिलजुल के कही जाओ यो। बयाने बयाने देखे वाले सभी लोगों का हमारा एक बार फिर नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं ऐसे विषय, तनाव, कैसे तनाव योग द्वारा दूर कर जा सकेला। इनमें बहुत सिंपल सिंपल हम आपके एक्सरसाइज बताए, क्रिया बताए, जो केहू व्यक्ति खाना खाए से पहले भी कर सकेला, खाना खाए के बाद भी कर अभ्यास कर ले। शियास थेरेपी, बहुत सिंपल थेरेपी, हमन का करे के प्रेशर पॉइंट होला हमारे बॉडी में, अगर आपको निरंतर होकर दबाई हैं तो देखिए काफ़ी हद तक धीरे धीरे आपका तनाव कम हो जाए। जब भी आपके लगता आपके तनाव हो गया, आपके का करे के चाहिए, सेंटर हथेली के जो सेंटर पॉइंट होला, सेंटर जोन पॉइंट होला, ये कहलाला सूर्य चक्र। ये का करे के सिंपल एक प्रेस करे के है, एक मिनट नित्य प्रतिदिन, बहुत सिंपल क्रिया है। ये पर्टिकुलर भाग के आपके प्रेस करे के है, एक मिनट प्रातःकाल कर लेना, एक मिनट शाम कर लेना। उसके बाद कहा सेम दूसरे हाथ में भी आपके प्रैक्टिस करे के है, ई कला शियास थेरेपी।
ओकरे बाद हम आपके दूसर जो टेक्निक बतावत हैं कहल तादीन। केहू व्यक्ति जब तनावग्रस्त रहला ओकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम का रहला ओकर ब्रीदिंग जोन होला बहुत फास्ट हो जाला, जो श्वास की जो प्रश्वास की जो गति होला बहुत तेज होला। हम की का करे के है जो हमार गति धीरे धीरे स्लो हो जाए और हम तनाव मुक्त हो जाए। उमन का करे के है, सबसे पहले हम आपके बतावत हैं जो कहलाला तादीन साधना। आप अजगर के देख ले हुए अजगर का करला जब केहू जानवर या जंतु के खाला धीरे धीरे आप देखिए ओकर पेट जोन होला घड़े नुमा फूल जाला। सेम तादीन टेक्निक है, बहुत सिंपल टेक्निक है, केहू व्यक्ति का अभ्यास कर सकेला। यमन करे के कहा पद्मासन सुखासन में आप बैठ जाए, दोनों हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में होके चाहिए और मुँह से हम नाक से लंबा गहरा श्वास भरब, लंबा गहरा श्वास भरब। जैसे जैसे हम श्वास भरब धीरे धीरे हमारे जो पेट हो घड़े नुमा फूल जाए, गुब्बारे नुमा फूल जाए। हालांकि योग की थोड़ी जो मुश्किल क्रिया है लेकिन आप प्रैक्टिस करें तो आप एक कर सकेंगे। आई करिए तादीन साधना, लंबा गहरा सांस भरनी। देखा हमारे पेट धीरे धीरे आप देखिए हमारे पेट घड़े नुमा फूल गल है, घड़े नुमा पेट फूल गल हमार। जितनी देर आप आसानी पूर्वक सांस रोक सके ने उतनी देर रोकें आप लोग, उसके बाद ना रोक पाए की अवस्था में जब ना रोक सके ने धीरे धीरे सांस के छोड़ी और अपने पेट के अंदर की ओर पिचकाएं। ये कहलाला तादीन साधना। तादीन साधना से क्या होला आप धीरे धीरे डिस्ट्रेस हो जाए, धीरे धीरे तनाव कम हो, अनिद्रा अवसाद जैसे रोग दूर हो जाए। लेकिन कुछ सावधानी आपके जरूर ध्यान रखिए कि हुई जो लोग भी अल्सर के पेशेंट हों, गर्भवती महिलाएं, हार्ट पेशेंट, हृदय रोगी का अभ्यास ना करें, उनके मना वर्जित है। हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हो चाहें तो योग गुरु के सानिध्य में कर अभ्यास कर सकें। उसके बाद हम दूसरी चीज़ बताते हैं, वो कहलाता शशांक, शशांक आसन। शशांक आसन यानी खरगोश नुमा मुद्रा। शशांक आसन में हम के करे के कहा दोनों पैर घुटने से मोड़कर, दोनों पैर घुटने से मोड़ लें आप लोग। उसके बाद लंबा गहरा श्वास भरी, लंबा गहरा श्वास भरते दोनों हाथ ऊपर उठी, लंबा गहरा श्वास भरी, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हम धीरे धीरे अपने माथा जमीन पर लगाई और दोनों जो हमारे हाथ रही हैं वो आगे सामने रहे। कुछ देर इसी अवस्था में रुकी, जितनी देर आसानी पूर्वक हम अपन सांस रोक सकें उतनी देर हम अभी रुके हैं। ये कलाला योग में शशांक आसन। ये आसन का क्या एडवांटेज है, ब्लड का जो सर्कुलेशन होला हमारे ब्रेन की ओर हो जाला, जिसे का होला हमारे ब्रेन में जो सेल्स हों एक्टिवेट हो जाने, सेल्स एक्टिवेट हो जाए तो हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाए। तनाव को जो बार बार हम तनाव ग्रसित हो जाने वो धीरे धीरे ऊ कम हुई, उसके अलावा चेहरा पे ग्लो आला, कांति आला। लेकिन जिनके लोअर बैक का प्रॉब्लम हो, साइटे का प्रॉब्लम, उनके उनके वास्ते ही वर्जित है, गर्भवती महिला वास्ते वर्जित है। हृदय रोगी और उच्च रक्तचाप के रोगी उनके क्या करें कि ब्रीदिंग ना रोके, के ब्रीदिंग रोके तो उनके प्रॉब्लम हो जाए। तो ये आप लोग देखना कि किस प्रकार से योग की कुछ क्रियाएं, आसन और कुछ जापानी टेक्निक जो हम बतौले रहनी, अगर आप लोग एक निरंतर अभ्यास करी हैं तो आप लोग पाई हैं कि धीरे धीरे तनाव जो ना कम हो गला और आप तनाव रहित हो गए। अगले प्रोग्राम में आपके कुछ और चीज़ बताए, तब तक हमको इजाज़त दें। एक बार आप लोगों के बहुत बहुत हमार फिर नमस्कार। योगा कैला के बाद शरीर तो स्वस्थ भइल लेकिन मन में एगो प्यास रहल कि ना कुछ और होई तजरा और मन में बाहर आ जाए। एगो चीज भौजी लागत है कि अगर बात लयदारी के हो जाओ तो हर आदमी झूम उठी सारा प्रॉब्लम से बिल्कुल दूर हो जाए। बस सही जगह पर पहुंचे देवर जी, ये बात हम कहे के चाहता नहीं। हाँ, को बुला रही है नीलिमा, नीले जी के बोलोले बानी रांची वाली। दर्शक लो बम्बई से बोलोनी। हाँ बम्बई से रांची वाली नीलिमा नीले जी आवत रे। छुप छुप घरवा में आवे रे आके, चुपके से गरवा लगावे रे मोर सुंदर सुगना। छुप छुप घरवा में आवे रे आके, छुप छुप घरवा में आवे रे आके, चुपके से गरवा लगावे रे मोर सुंदर दुपहरिया में। देख दुपहरिया में आवरे मोर सुंदर सुगना। छुप छुप घरवा में आवरे आके, छुप छुप घरवा में आवरे आके, चुपके से घरवा लगावरे मोर सुंदर सुगना। देख दुपहरिया में, देख दुपहरिया में आवरे मोर सुंदर सुगना। I'm not afraid to die.
बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया कि का कहल जाओ। ठीक दोपहरिया में ना सूरज सवेर के बेरा, बिहाने बिहाने के बेरा, सूरज के पहला किरण के साथ हमनी के रउआ लोग के बीच में आ जानी सा एगो बढ़िया कलाकार लेके। उनकर नाम बताई भौजी। उनकर नाम बा नीलिमा निलय जी। नीलिमा निलय जी राउर बहुत बहुत स्वागत बा। सूरज के पहला किरण जैसे कि अभी बिहान भइल बा, हर तरफ सब जगह एकदम सूरज के लाली फैलल बा, ऐसा में एकदम मीठा मीठा आवाज लेके एकदम गुलाबी गुलाबी ड्रेस में नीलिमा निले दुपहरिया के पिया के नोक झोंक के बाद बतौली, बहुत अच्छा लगा। तो बताई का समाचार बा, हाल चाल ठीक बा? हाल चाल ठीक बा। कहाँ से आईनी, कहाँ घर पड़ी? वानी मुंबई से, और हमार घर रांची के वानी हम, और इधर काफी अपनी कुछ उपलब्धियाँ हुई है, कुछ साई के भजन और माता की का भेंट। अभी हाल में साई का भजन का मेरा कैसेट रिलीज होने वाला है। अच्छा, तो उसका मैं दो लाइन सुनाती हूँ। कभी मंदिरों में देखा, कभी मस्जिदों में पाया, जर्रे जर्रे में साई तेरा ही नूर पाया, तेरा ही नूर पाया, तेरा ही नूर पाया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ऐसा ही सुरीला गाना सब चलत रही। नीलिमा जी, एक बात अगर शुरू करी हम पूछे के कि इतना बढ़िया जो सुरीला गावत नहीं, तो शिक्षा दीक्षा भइल हुई कहाँ? भइल रांची में। रांची में भइल, तो के सपोर्ट कइला सबसे ज्यादा? के सपोर्ट हमारे घर में माँ बाबू जी। हाँ, वहाँ लोग गावे नहीं? माँ गावे। तो आप उनको सुन के गाने की? मैं उनको सुन के मतलब तुरंत कॉपी करती थी। अच्छा, हम ज्यादा नहीं कॉपी करेंगे, तो कॉपी करे में अगर राउड सुने तब हम कॉपी करें। अच्छा, का सुनाओ तो नहीं बताएं। अभी एक भोजपुरी गीत। हम अकेले में ई गाना के कोशिश करें, चूँकि घबराई तो फिर लोग हंसे लगी, ऐसे हम चाहते नहीं कि अभी अपना प्रोग्राम में यात्रा पर लिया चले जाए। हाँ, तो पिया परदेसी हैं तो ज्यादा चिंता की कौन बात है, हम लोग भी चलते हैं, थोड़ा घूम फिर के आते हैं। तो हमने के बीच में हमने के आती थी कलाकार जी, यहाँ के नाम बटे निलय जी। तो निलय जी का लेके चल जाओ यात्रा पर, और यात्रा से आके फिर गाना सुनल जाये। पक्का पक्का। निर्मित इस मंदिर में
पांडव पूजा अर्चना करत रहलन। एह मंदिर में एगो प्राचीन शिवलिंग बा। गर्भगृह के उत्तरी दीवार पर पांच पांडवन के एगो शिला पर उकेरल गईल रहस्यमय मूर्ति बा। मंदिर के प्रांगण में एगो बरगद के गाछ हो। लोग एकरा पूजा करेले काहे से कि कहल जाला कि ई गाछ महाभारत काल के हो। ई हो हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य। एहिजा देखे के मिली गाछ के अनगिनत प्रजाति। एकर अलावा एहिजा 400 प्रजातियन के पक्षियन के घर भी बा। एहिजा राष्ट्रीय पक्षी मोर बहुतायत में देखल जा सकेला। एकर अलावा संकट ग्रस्त प्रजाति सारस के एहजे आसानी से देखल जा सकेला। रउआ लोग सुखद कामना करने से हमने के जीवन के यात्रा जो चलता कि मंगल में भी तो और जब मंगल में यात्रा के बाद चलल बा और हमने के अभी तुरंत यात्रा का के लौटल बानी तब पूछता नहीं अपन कलाकार से कि नीलिमा जी हाल फिलहाल के दिनों में आपने कहाँ कहाँ की यात्रा गायन को लेकर किया है। मस्कट गई थी मैं। हाँ जी, तो वहाँ पे भोजपुरी सम्मेलन का प्रोग्राम था वहाँ पे। अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ, काफी यादगार रहा वो प्रोग्राम। भोजपुरी के पूरी तरकारी खीर चटनी रउआ सबके टिकोला डाल के परोसत रहा हमनी के। लेकिन फिलहाल बर्तन धोए के बाद तू धोबा, हम ना धोए। हम कहला धोए। इतना सुंदर ड्रेस व्रेस पहन के तैयार होके बर्तन मैं ना करता हूँ अपने घर में अपने भौजाई को कि प्लीज बर्तन धोने के लिए एक छोटा ब्रेक दिया जाए, बर्तन धुलवाओ। एगो भौजी हम बात पूछे के चाहते नहीं कि नीलिमा जी एगो बढ़िया गायिका के साथ साथ कौन सी और बढ़िया है, जिसे कौन ऐसा और गुण बाटे। खाना बनावे के शौक बा। और कौन राशि बा? हमारे राशि तो दो बा, डेट ऑफ बर्थ से धनु और राश के नाम से मकरवा। रउआ सब को भी जौन राशि जिनकर होई सब के राशि के हिसाब से आज के दिन के भविष्य के हाल बताई हैं आचार्य पंडित संजीव मिश्रा जी। ग्रह गोचर। ग्रह गोचर तो संपन्न हो गई भाई और पता लग गई कि आज के दिन के भविष्य कैसन रही के कर। बिल्कुल, आज दिन भर बढ़िया गुजरी है हमने के बीच में नीलिमा नीलय जी वानी। नीलय जी एक बात हमके बताएं कि फिल्म के अगर इस समय चला था तो फिल्म में इतना बढ़िया जब आवाज बता जरूर गोले होके और कौन कौन फिल्म में गोनी ये बताएं। काफी फिल्मों में गाया मैंने, लेकिन अभी हाल में गंगा फिल्म रिलीज हुई थी उसमें हमारा दो गाना था जी, एक विदाई का और एक शादी का। एक मन में बात बटे, ये बताई कि इतना दिन के जो सफर रहा गीत संगीत के तो में का उपलब्धि रहल, कौन कौन अवार्ड मिलल, सम्मान मिलल, वो के बारे में तनी चर्चा कर। इंदिरा गांधी जी, एक आज से कई साल पहले साइंस कांग्रेस हुआ था जी, उस टाइम पे मैंने उनके सामने गाना गाया था और उनका आशीर्वाद लिया था। वो उन्होंने मुझे पीठ में हाथ रख के आशीर्वाद दिया था, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। उसके बाद अवार्ड तो फिर लालू जी ने मुझे बिहार में लता के बिहार की लता से नवाजा है जी। तो ऐसे तो अवार्ड कई है, लेकिन मैं कितना बता सकूंगी बस जो थोड़ी बहुत। अगर लाइव अवार्ड के बात कही जाओ तो अपन दर्शक सबके सामने कलाकार गाए और सामने से डायरेक्ट प्यार और आशीर्वाद मिले सीधा प्रसारित अवार्ड, ठीक है ना? तो इस अवार्ड को पाने के लिए लाइव एक हो जाए गाना। हाँ, हो जाए तो फिर सुरीला गाना किस बात की?
अति सुंदर बहुत सुंदर अपन कीमती वक्त निकाल के हमने के प्रोग्राम के सजैनी और आज इला खाती ढेर सारा दुआ बटे शुभकामना बा और पढ़ाम बटे दर्शक सबके तरफ से बहुत बहुत शुभकामना हमरा तरफ से धन्यवाद पढ़ा तो यहाँ के रहनी नीलिमा नीले जी जिनका से रउआ सब सुरीला गीत के आनंद उठौनी और अब का बारी बा देवर जी अब बारी बटे रउ लो समय सकतानी के देवर के मुंह से का बात निकली तो बात इतने भर निकली कि भाई हमनी के प्रोग्राम में अगर नुस्खा रोज बतावल जाला तो आज काहे छोड़ल जाओ आजो नुस्खा बतावल जाओ अनार के छिलका के पीस के शहद में मिला के खैला से सांस के प्रॉब्लम और दमा में बहुत आराम मिली अब बात करें सर वालों के भेजल चिट्ठी के तो चिट्ठी में से हम ढेर सारा रखले बानी लेकिन का करी टाइम कम बटे तो एक एक चिट्ठी पढ़ सकते हैं ई चिट्ठी आयल बटे जगदीश प्रसाद जी नोएडा से का लिखा था नहीं देख ली हमें बहुत खुशी है कि आप लोग का ये जो बिहाने बिहाने है वो देख के लोग खूब मजा लेते हैं और भोजपुरी भाषा को जब देखते हैं एक टेलीविजन पे बोलते हुए और लोग बात करते हुए फिल्में देखते हैं तो बहुत मज़ा आता है और हम नोएडा में हिंदुस्तान टाइम्स के में पत्रकार हैं तब पत्र भेजे खातिर रउआ के बहुत बहुत धन्यवाद भोजपुरी के प्रोत्साहन और हमनी के प्रोत्साहन खातिर भी बहुत बहुत धन्यवाद इसी के साथ देवर जी स्टॉप 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 काहे की घड़ी कहतिया ए भाई चलो अब सबके काम काज पर जाए के बाद तो हनियों के कुछ काम काज होई तहार देवर के भूख प्यास लागल होई चलो चलो समेट ना ना भूख नहीं खे लागल लेकिन काम काज तो भाई काम काज करेला लोग करेला अब देवर भाई मालिक थोड़े घर में काम करेला हाँ मालिक जो नहीं बिना काम काज वाला निठल्ला मालिक भाई इनका के भी नाश्ता मिली 5 किलो ओकरा मालिक चद्दर तान के सुत दी ए भौजी कोई काम नहीं ड्रेसो का तने ध्यान में रखो अभी अच्छा, कोट नहीं मालिक के ड्रेस बहुत अच्छा बा ई ड्रेस पहन के कोनो आदमी के निकम्मा निठल्ला ना बोले के चाहिए ड्रेस जब बाटे ऑफिसर ला तो ऑफिसर देवर कहा एकदम ऑफिसर कलेक्टर हमारा कलेक्टर देवर जी चलिए इधर सक लो काल सवेरे वादा पक्का रही रउआ टेलीविजन के सामने जे सुत रही जाग के बैठ जाई जे नहा धोआ के ऑफिस जाके तैरे में हुई उहो तनी टाइम दे दी हमनी के बिहाने में देखे खाती त आज आज खातिर हम विजया भारती के तरफ से और हम अजीत आनंद भी रउआ सबके करतानी प्रणाम बिहाने बिहाने